वीडियो देखने से पहले और चैनल पर कमेंट करने से पहले इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मैं शवाद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इलेक्ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों आज ये जो टीवी आपने स्क्रीन पर देख रहे हैं सैमसंग कंपनी का है और मैं आज इस वीडियो में सैमसंग एलईडी टीवी की वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने वाला हूँ कि अगर आपका एलईडी टीवी है ख़राब हो जाता है तो हमारी वीडियो को फॉलो करते हुए आप उसे बड़ी आसानी से ठीक कर सकते हैं। इसमें मैं आज इसकी बैकलाइट पर कितनी वोल्टेज आती है, इसके LVDS कनेक्शन पर कितनी वोल्टेज आती है, इसके फिल्टर कैपेसिटर के ऊपर कितनी वोल्टेज आ रही है, यह सब आज वीडियो में मैं आज आपको दिखाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम अपने एलईडी की टीवी की बैकलाइट वोल्टेज को चेक करेंगे। दोस्तों बैकलाइट वह होती है, यह एक एलईडी की स्ट्रिप लगी होती है हमारे टीवी के पीछे और जब वह जलती हैं तो उसकी रोशनी से हमें हमारी पिक्चर ट्यूब पर पिक्चर दिखाई देती है, यह बैकलाइट का काम होता है। तो अगर आपके एलईडी टीवी में पिक्चर नहीं आ रही है तो सबसे पहले आपको इसकी बैकलाइट वोल्टेज चेक करनी है। तो मैं इस टीवी में यह दिखाऊंगा कि इसकी बैकलाइट वोल्टेज कितनी है। अगर आपके भी टीवी में उतनी ही बैकलाइट की वोल्टेज आ रही है तो आपकी बैकलाइट की वोल्टेज बिल्कुल सही है। फ्रेंड देखिए इंडक्टर लगा हुआ है, जो हमारी बैकलाइट की वोल्टेज होगी वो इसके थ्रू पास होगी। देखिए इंडक्टर लगा हुआ है, इससे पास होकर वह वोल्टेज यहाँ पर इसका जो कनेक्टर है जहाँ से बैकलाइट के लिए वोल्टेज निकलेगी यहाँ पर आएगी। दोस्तों यहाँ पर हमें दो तरह की वोल्टेज मिलेंगी, एक 36 वोल्ट और एक 125 वोल्ट। अगर आपके वह दोनों वोल्टेज सही तरीके से बन रही हैं तब आप कहेंगे कि आपकी बैकलाइट को चलाने वाली वोल्टेज सही बन रही हैं। चलिए मैं आपको वह वोल्टेज दिखा देता हूँ। दोस्तों ये वोल्टेज हमें अपने बैकलाइट के पॉइंट पर मिलेंगी। ये देखिए हमारा बैकलाइट का जो पॉइंट है ये हमारी पावर सप्लाई में, देखिए इसमें 36 वोल्टेज आ रही है और ऊपर वाली जो पिन है उसमें 125 वोल्टेज भी आ रही है। ये दोनों वोल्टेज के अंदर आ रही हैं। अगर ये दोनों वोल्टेज आपके एलईडी टीवी में भी इसी तरह से आ रही है तो आपका एलईडी टीवी की पिक्चर बिल्कुल सही तरीके से वर्क करेंगी। बस उस एलईडी उस बैकलाइट में कोई एलईडी की स्ट्रिप में से कोई एलईडी खराब ना हो। चलिए अब इसके मदरबोर्ड को चेक करते हैं और ये देखते हैं कि पावर सप्लाई कितनी वोल्टेज के मदरबोर्ड के अंदर देगी। ये देखिए 12 वोल्टेज हमारी पावर सप्लाई इसके मदरबोर्ड पर दे रही है। ये देखिए 12 वोल्टेज दूसरी पिन पर आ रही है, तीसरी पिन पर भी 12 वोल्टेज आ रही है, चौथी पिन पर भी 12 वोल्टेज है। तो देखिए फ्रेंड हमारा जो मदरबोर्ड है 12 वोल्टेज की पावर सप्लाई पर वर्क करेगा। फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो एक कमाल की वीडियो अपने ईमेल पर मैसेज पर रिसीव करना चाहते हैं तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, अस्सलाम वालेकुम।